बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को मिलने वाली धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि फिर एक बार सलमान को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल गुरुवार को मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास एक मैसेज आया जिसमें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाना लिखा गया है और सलमान को जान से मारने की धमकी के साथ साथ 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी। हालांकि मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम भीकाराम जलाराम बिश्नोई है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने का दावा करता है और मूल रूप से राजस्थान के जालौर जिले का रहने वाला है। पुलिस भीकाराम से पूछताछ में जुटी है, लेकिन सवाल बड़ा है कि भाईजान के आखिर कितने दुश्मन हैं, क्योंकि बीते 22 दिनों में ये 5वीं धमकी है जो सलमान खान को मिली है। और उधर लगातार मिल रही धमकियों से सलमान खान के फैंस भी टेंशन में है।